जिंदा बस यही दीजो अगले जन्म अगले रात को ये बाहर चटर पटर साथ यहाँ का करियो। पहले तू बता, तू यहाँ का कर रहा है?
हमें तो बहुत जोर के सुसु आया था, इसके लिए हम सुसु करने गए थे। अच्छा ठीक है, कर लिए ना सुसु, अब जाके अपने कमरे में सो जा चुपचाप से। तुम भी हमरे साथ आओ ना माई। हम ना एक काम करके अभी आते हैं, तू चुपचाप से जाकर अच्छा बच्चा की तरह कमरा में सो जा, ठीक ना? तू हमरा राजा बेटा है ना, मानेगा ना हमारी बात? ठीक है माई, हमें एक पुच्ची दे दो। परदेसिया, कहा ताजा पानी पिला? अरे जल पिला सुना नहीं? ए माधो, बचुआ सोया नहीं, इतना रात गए क्या कर रहा है यहाँ? हम किसके साथ सोए? माई तो बाहर गई है। माई बाहर गई है केकरे साथ? गंदी जमुनिया के साथ बाहर गई है। अरे चाहत चाप लोहा सिंह के आंख में धूल झोंकने की कोशिश किया, देखता हूं इतनी छलांग लगाने कितना कुवत है। ये हराम जादी ललिया एक बार हमने चढ़ देना बाबूजी, गर्दन तोड़ देंगे कुतिया के। और तू ससरे खड़े खड़े खा देखिए बताती खाए नहीं खाए ये? किस बात का हंगामा लगा के रखा है, कोई हमको कुछ बताएगा? अरे कुछ नहीं भागीना जी, छोट लोगों की छोट बात। भाग गई हवेलिया से जमनिया, पता नहीं का का लेकर भागी है। तो चलिए यहाँ पंचायत बिठाने की कौन जरूरत नहीं है, आप लोग अपने कमरे में जाके सोइए। रणविजय अभाइन के अभाइन पुलिस स्टेशन जाओ और रपट लिखा रोको, इससे पहले कि गांव की हद पार करे धर दबोचो इसे, तफ्तीश शुरू करवा दो। जा जी। ध्यान से देख क्या, सुना है लोहा सिंह अपनी हवेली में एमएलए को दावत पर बुलाया है, कहीं ना कहीं कोनो बात है, कहे कि लोहा सिंह बिना मतलब का किसी को खैनी तो खिलेबे नहीं करते। सही है बोल रहा है तुम बड़ुए।
काहरे हराम का जना है वो लोहा सिंह। दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे सब देख के एमएलए को बुलाया होगा। हम तो बैठ होने दो फायदा, कुछ भी होने दो फायदा, पर हाँ जो फायदा ठाकुर लोहा सिंह को होना वही फायदा रणविजय ठाकुर का। लिए हमरे जमनी का कल्याण होना है। हमरे जमुनिया कैसी सुंदर है रे। उठ लिया ना ये गंगिया छुपे कर सकती, धरती आसमान को देख कर सकती है। बस एक बार रणविजय ठाकुर के साथ उनका ब्याह हो जाए ना तो हमरा तो उकाकत मिशन पूरा। इलियो मैया अकारे कचरी पापड़ अचार कुछ नहीं आ ला तू सोने का तू लेकर। दरोगा वो यहाँ कहीं है कहीं ना कहीं, देखते देखते संभाल के ना संभाल के संभाल, यहाँ कहीं होगी और कहीं नहीं जा सकती। हो गया खाना पीना? हाँ पुलिस सिपाही कहे के बुलाए? वो सब बताते रहेंगे गंगिया, पहले ही बता के जमुनिया कहाँ है। जमुनिया कहाँ है ये आप हमसे पूछ रहे हैं? जमुनिया तो आप ही के पास है। अरे हमरे पास होती तो हम नहीं ना पूछते, इतने बेवकूफ नहीं है। हवेली में नहीं है जमुनिया, और हमको मालूम है पूरा विश्वास है कि सबसे पहले वो तुम्हारे पास आई होगी यहाँ पे। इसलिए बिना बकवास किए सबसे पहले बताओ कि जमुनिया है कहाँ। जमुनिया भाग गई? क्या कह रहे आप? जमुनिया कहाँ भागी? क्या क्या उसके साथ अगर हमारी जमुनिया? अरे क्या है बढ़िया फड़फड़ाए रही है, पकड़ना है देखो अरे से यहाँ से। मर जा तू, लाश निकले तेरे, ए, मक्खी बिन बना तेरे लाश पे, तू मर का नहीं गया रणविजय ठाकुर। देखा ते इसे सत्यानाश, जब गरज थी तो कुकुर की तरह तुम हिलाए हमरे पीछे घूमते थे, हैं? और अब और हम हमको धोखा दिए। एक बात कान खोल के सुन लो रणविजय ठाकुर, हमरी जमुना का अगर एक बाल भी बाका हुआ ना तो भड़कम मचा देंगे, धरती आसमान को एक कर देंगे, तुम जानते नहीं हमको। अरे कहाँ सुन रहे हो, लेके जाओ अगर कोई यहाँ से बाहर। अरे हमको लेके जाए, हम बड़े इंस्पेक्टर को जानते हैं, तू क्या कर लेगा? तुम पुंजा, हम देखते हैं तुमको कुत्ते की तरह जो मिलाता था हम देख लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम देख लेंगे। कहाँ गई हमरी जमुनिया? चली गई, अब हमको कौन बचाएगा? लाली हमको बहुत डर लग रहा है। चिंता मत कर, कौन ना कौन रास्ता निकाल देंगे हम, अरे बहुत तक छुप छुपा कर आना होगा, देखते क्या कर सकते।
बुआ बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ। हम माई को उस दिन गंदी जमुनिया के साथ जाते हुए देखे थे, माई लौट के कब आएगी हमारे पास? बहुत ही जल्द आ जाएगी बबुआ, अब तुम सो जाओ, नहीं तो माई को अच्छा नहीं लगेगा ना। जब भी माई आएगी ना तभी हमको उठा देना। ठीक है, उठा देंगे। हे भगवान, हमारी दीदिया की रक्षा करना। ढूंढ रहे हैं और हम हवेली के अंदर, लग रहा लाली यहाँ नहीं आना चाहिए था हम दोनों को। रणविजय ठाकुर बाहर चारों तरफ हमको खोज रहे हैं। सोच, अगर हम तुमको बाहर छुपाएंगे तुमसे मिलने आएंगे जाएंगे ना, तुमको क्या लगता है वो हमारे पीछे आदमी नहीं लगाएंगे? हम पकड़े जाएंगे साथ में तू भी, तू यहाँ रहेगी तो हम निश्चिंत रहेंगे और हमको निश्चिंत देख के उन लोगों को कोनो शक नहीं होगा कि तुमको हम यहाँ छुपाए हैं। अभी हम सब ठीक कर देंगे, थक गई होगी भागते भागते। इससे ज्यादा सुरक्षित जगह कौनो नहीं है जमुनी। लाली हम तुमसे नजर कैसे मिलाए समझ में नहीं आ रहा है। तुम हमारे लिए सब कुछ कर रही हो और हम तुम्हारे लिए क्या किए? हमेशा तुमसे नफरत किए, हमेशा तुम्हारे बारे में गलत सोचे, बाकी आज तुम हमारी जिंदगी के साथ साथ हमारी इज्जत को भी बचा रहे हो। समझ में नहीं आ रहा है कि हम तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाएंगे रे। चलिए बैठ, आ का तो आसान का बात कर रही है, भूल गई का हम लोग सखी भी थे रे। देख, अगर तुमरा जगह कोनो और भी औरत होती ना तो हम यही करते जो अभी कर रहे। अब एकदम नहीं रोएगी तू, एकदम नहीं। हम अभी जा रहे हैं, बाकी बीच बीच में आके मिलते रहेंगे। ये जो टिकट उकट का चक्कर है ना, ये जैसा ही खत्म हुआ तो तू एकदम ठीक, कौनो तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेगा। फिर तू आराम से हवेली में रहना। हवेली में? नहीं लाली, हम हवेली में वापस ना ही जाएंगे। हमको हमको नफरत हो गई है हवेली से। ये गाना, ये सब हमको ना ही जाएंगे। हमको पहले जैसी जमुनिया बनना है, तोरी जमुनिया बनना है। हमको यह हवेली में वापस नहीं आना है। हमको रणविजय ठाकुर से नफरत है। इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। और एक बात हरदम याद रख, तू वही हमारी पुरानी वाली जमुनिया है। देख, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, तू अपना ख्याल रखना। देख जमुनी, मत रो, बार बार आवाज चला गया तो सबको पता चल जाएगा। एकदम चुप, अब एकदम नहीं रह गया, हम आते रहेंगे तुम्हारे पास। तू क्या लगना अपना